वो चार बाइक थी उनकी, वो इधर से आए थे हमारे चौक से, और वो इधर से आके यहाँ आके, नहीं ये दुकान है उसकी हमारे यहाँ पे कपड़ों की, यहाँ पे लूट मार करके और बनने यहाँ से राउंड छोड़ा था, और इधर से इस गांव से जो अगला गांव है वो उनका गांव है हमजापुर, तो यहाँ से भागे थे वो, कुछ कुछ उधर की साइड से भागे थे, उधर की साइड से दुकानों के परली साइड से, यहीं पे घर पे आके यहीं पे पीछे हमारा घर है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक राउंड उसने यहाँ से फोड़ा था, यहाँ से दो राउंड चलाए थे, दो बंदे दोन पे थे, वो कट्टा था ना जो देसी, वो दोन पे थे, एक ने यहाँ से छोड़ा था शाहिद ने, और उसने रफीक ने यहाँ से छोड़ा था, दो राउंड फोड़े थे, एक तो शाहिद ने यहाँ से फोड़ा था इधर से ये पत्थरों के पास से, यहाँ से फोड़ा था पत्थरों के पास से, और एक ने यहाँ से रफीक ने यहाँ से फोड़ा था, दो राउंड फोड़े थे यहाँ से, पुलिस को उनके राउंड के जो खोल थे वो भी बरामद हो गए थे, बरामद एक राउंड तो यहाँ से बरामद हुआ था, और जो दूसरा राउंड फोड़ा वहाँ से उसका वो खोल ना मिला, एक राउंड का जो खोल था 315 की गोली थी वो इतनी लंबी, उसका राउंड यहाँ पे मिला था, पुलिस वाले उनके फोटो वोटो सारी चीज़ खींच के भी ले गए थे राउंड राउंड के सब। अभी ऐसे कोई केस ना लगाए जी, जैसे कि 307 है, 452 है, डकैती वकैती का ऐसे कोई केस ना लगाए जी, नॉर्मल बना रखो, 389B ऐसा कुछ ना लगाए, बिल्कुल नॉर्मल केस बना रखा जी, हम यह चाह रहे हैं कि जी जो सच्चाई है 307 भी लगनी चाहिए, और जो 289 का कौन सा केस है ये भी 52 भी लगनी चाहिए जी, हमारे घर पे आके हमला करा, पीछे हमारा घर भी है यहीं पे। हमजापुर और नहरिका के बीच दो गुटों में झगड़ा, वहीं चश्मदीद गवाह एवं शिकायतकर्ता ने कहा है कि मुनफैद पुत्र इस्लाम नहरिका का रहने वाला हूं, और हमारी दुकान रिहाइश मकान नहरिका चौपड़ा पर है, दुकानों को मैंने किराए पर दिया हुआ है, जिसमें हमारी एक दुकान मेरे चाचा के लड़के मुस्तकीम पुत्र अब्दुल रहीम निवासी गांव नहरिका ने कपड़े की दुकान खोली हुई है, जो दिनांक 20 जुलाई 2021 को ईद के त्यौहार से समय करीब 12 बजे एक दिन पहले दोषियाना रफीक वक्कम मकसूद पुत्रान इस्लाम वगैरह मुस्तकीम की दुकान पर कपड़े की ख़रीदारी करने के लिए आए थे, जो कि वक्त दोषियाना मुस्तकीम पुत्र अब्दुल रहीम की दुकान में कपड़े की ख़रीदारी कर रहे थे, और रफीक वगैरह ने 1500 रुपये के कपड़े खरीद लिए, जब उनसे रुपए मांगे तो वह तेस में आकर गाली गलौज देने लगा, जो कि मुस्तकीम ने उसको काफ़ी समझाने का प्रयास किया, मेरी दुकान का समय है और तुम्हें कपड़े नहीं लेने हैं तो किसी दूसरी दुकान पर चले जाओ, परंतु दोषियाना ने एक ना सुनी और ज़बरदस्ती कपड़ों को ले जाने लगा, जिसको मुस्तकीम ने रोकने का प्रयास किया तो दोषियाना ने उसके साथ झगड़ा फिसाद किया और फ़ोन करके आमने सामने अपने साथियों शाहिद व जाहिद पुत्रान रसीद, पल्लू व ईसू पुत्रान आकूब, 3-4 अन्य साथियों को बुला लिया और ताड़म तोड़ गोलियां चलाने लगे, जिसको पुलिस ने आकर बरामद भी किया है कारतूसों को। सुनिए चश्मदीद गवाह की रिपोर्ट। अच्छा, जो 20 तारीख को ईद से एक दिन पहले जो यहाँ पर लड़ाई हुई, क्या मामला था पूरा, आप चश्मदीद गवाह हैं, बताइए थोड़ा। जी, यहाँ पे चाचा के मकान है पीछे, और यहाँ पे इनकी ही दुकान है, मैं यहाँ पर आया था चाचा के लड़के के पास में मिलने के लिए, यहाँ आते जाते रहते हैं घर पे, तो यहाँ पे बैठा था मैं तख्त पे जी, तो वह आए 4-5 बंदे, और वो लड़का अंदर था जी दुकान में, वो कपड़े वपड़े लिए पतना, हम तो यहाँ ठंडा पी रहे, और आते ही उनके जैसे यहाँ उनने आते ही यहाँ से कपड़ा लिया, तो उनकी यहाँ लड़ाई होगी, जैसे उनके गुत्थम गुत्ता हुई तो उनने गोली चला दी। किस बात को लेके हुई? कपड़े ले रहे हो, क्या कर रहे हो? पैसों के ऊपर पैसे हंजापुर के। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ जैसे उनने गोली चला दी जी, वहाँ गुत का वो बेहोश हो गया के गोली लगी जी, गोली लगी के क्या हुआ, यहाँ सर फट गई गणी जी, यहाँ से सर किसका फटा? मुस्तकीम का, मेरे चाचा का लड़का जी छोटा। गोली चलाने वाले का क्या नाम है? उसका नाम, एक का नाम रफीक, शाहिद है, एक का नाम रफीक है, दोनों ने दो राउंड चलाए थे जी। जो इस नहरिका चौक पे जो झगड़ा हुआ है जी, क्या था पूरा मामला, किस मामले को लेकर लड़ाई हुई जी? हम 5-6 बंदे यहाँ पे बैठे हुए थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, तो
चार बाइक पे बंदे आए थे कपड़ा खरीदने के लिए। यहाँ हमारा ताऊ का लड़का है, ये दुकान हमारी है सारी, वो कपड़े की दुकान है उसकी, तो उनके पास से वो कपड़े खरीद रहे थे। तो उनका उनने कपड़ा खरीद लिए, उसने ताऊ के लड़के ने बोला कि भाई 1500 रुपये के हैं। उनने बोला कि भाई ये तो ज़्यादा के हैं, इतने नहीं देंगे हम। वन की भैया मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, आप कहीं और जगह से ले लो। तो वो चोर डके तो हैं जी, वो लूट मार का ओलेक्स के उनके पास कई केस है, बदमाशी दिखा रहे थे यहाँ पे। वे बोलने लगे कि भाई हमारे होते हुए यहाँ इतने महंगे कपड़े कैसे मिल जाएंगे। उन लोगों ने उनको बाहर खींच लिया, जैसे मारपीट चालू कर दी उनके साथ। तो उसने आवाज़ मार दी हमारे लिए, जैसे हम यहीं पे तो बैठे थे, तो हम भाग के गए। तो हमारी उनकी थोड़ी देर गुथापैंडी हुई, उनने गोली वोली छोड़ दी। वो जो ताऊ का लड़का था उसके सर में गोली लगी हुई थी। तो वो चार बाइक पे आया था, वो दो बाइकों को लेके भाग गया। तो जो हमने जी अब यहाँ पुलिस गोली चला के भागे, कौन से गांव के थे, उनका नाम क्या था? या के हमजापुर के हैं जी। एक का नाम तो शाहिद है, सरपंच भी वो मोखा का, और एक वो है रफीक। दो बंदे थे वो जिन्हें राउंड चलाए थे। अच्छा जी, तो गोली दे के भाग गए? हाँ जी, गोली दे के भाग गए। उनकी दो बाइक और एक फोन रह गया था यहाँ पे। हमने पुलिस जब यहाँ मोखा वारदात पे आ गई थी तो उनको वो बरामद करवा दी थी यहीं पे। हाँ, उसका राउंड का जो खोल था वो भी यहीं पे पुलिस वालों के सामने दे दिया था। और आपसी रंजिश थी उन लोगों के बीच? कुछ नहीं थी, उससे पहले जी 15000 रुपया और लेके गए, छीन के ले गए थे वो हमारे। गोली लगी थी उसकी, कैसी तबीयत थी? हॉस्पिटल में जी, सीरियस है वो। भाई वारदात हुई तो वहाँ पुलिस आई, 112 नंबर पर फोन किया इन्होंने, तो हम भी आ गए फिर मोखा पे। मेरी दुकान है सारी, मैंने किराए पर दे रखी है गाँव कान के लिए। दो बाइक रख दो यहाँ पर, दो बाइक मिली हमने। और भाई एक गांव के 500 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, भाई जब गोली चली तो गांव का ने यहाँ पर राउंड पाया, वे खाली खोल वे पुलिस को दिया, और पुलिस उसको मौके पर तफ्तीश करके ले गई। और दो बाइक ने ले गई पुलिस, एक फोन ले गई उनका। फिर बाद में जी, अब हम तो वहाँ गए नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं। और बात कर रही है, अब हमें तो कुछ पता नहीं है जी आगे की क्या करा उन्होंने, क्या नहीं करा। तो आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस? कहना चाहेंगे अब जैसे कोई सही सलामत कार्रवाई पुलिस करे, जैसे भी जायज है वो जायज करे। नहीं, आपने जो FIR है उसमें जो पुलिस ने मौका वारदात यहाँ पर जाँच की है, हाँ, तो क्या वो सही पाई या फिर ये अभी अब हम कैसे कहाँ जी, FIR में तो कुछ भी नहीं है अभी, तो अभी तक तो कुछ नहीं है, पुलिस ने कुछ बनाया ही नहीं FIR में। तो क्या बनना चाहिए था आपकी? अब जी जो वारदात यहाँ हुई है वो बनना चाहिए, जो सच्चाई है, जो सच्चाई है। अरे उन्होंने गोली भी चलाई है, यहाँ वारदात को अंजाम भी दिया है, पैसा देली भी, यहाँ सामान भी जो सामान बेच रहा था दुकानदार वो उसका सामान भी चला गया कुछ। हमारा घर यहीं पे पीछे है जी, वैसे यहाँ आके नीचे से उन्होंने लूट मार करी, बाइक वाइक करने छोड़ गए। पुलिस आई थी यहाँ पे, हमने पुलिस वालों को राउंड भी दिखाए थे तफ्तीश के टाइम पे, और दो बाइकर एक फ़ोन भी दिया था, पुलिस वालों को बरामद करवाया था। तो राउंड की चलने की आवाज़ की वजह से जैसे यहाँ पे लोग काम वाम कर रहे थे, वो सारे यहाँ पे एक आध 300-400 आदमी भी इकट्ठे हो गए थे, तो वो भाग गए थे। और पुलिस कार्रवाई करना रही जी, नॉर्मल से केस बना रखा। हम यह चाह रहे हैं कि जो जायज है, जैसे कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ था वो एकदम सही तरीका से कार्रवाई की जाए। तो जी हम यह चाह रहे हैं बस।